नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ऐसे तरीके के बारे में बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप जो है 1000 व्यूज़ के $5 कमा पाएंगे। गाइज अगर आप एक यूट्यूबर है तो गाइज आप एक्स्ट्रा इनकम सोर्स बढ़ा सकते हैं। ये goonly.com एक लिंक शॉर्टनर वेबसाइट है, यहाँ पे आप लिंक को शॉर्ट करके जो है कुछ पैसे कमा सकते हैं, एक्चुअली कुछ नहीं बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। तो गाइज 4 लाख ऑलरेडी रजिस्टर्ड यूजर्स हैं और गाइज पे आउट इसका बहुत ही अच्छा है। 1000 व्यूज़ के $5 मिलेंगे, वो भी 24 घंटे के अंदर मिलेंगे। पेटीएम से मिलेगा, गूगल पे, सभी चीज़ों से जो आपको यहाँ पर पेमेंट हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पे आप लिंक शॉर्ट करके 1000 व्यूज़ के $5 कमा सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट कस्टमाइजेबल एंड्रॉइड ऐप इन द लिस्ट, जिसका नाम है डीमन लाइव वॉलपेपर। तो बेसिकली गाइज ये वन ऑफ द बेस्ट लाइव वॉलपेपर है। यहाँ पे आपको एमोलेड डिस्प्ले के साथ अगर जब जहाँ कहीं भी आप टच करते हो तो गाइज डीमन वाला व्यू आपको जो यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही कमाल की चीज़ है। आप यहाँ पे होम स्क्रीन पे इसके सेटअप्स को देख सकते हो, बहुत सारे कलरफुल कलर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और फिर गाइज अगर आपने यहाँ पे प्रो वर्जन यूज़ कर रखा होगा तो गाइज यहाँ पे काफ़ी चीज़ें जो है यहाँ पर टोटली कस्टमाइज़ कर पाएंगे। अगर आपने प्रो यूज़ नहीं किया होगा तो भी गाइज आपको बहुत ही का व्यू मिल जाएगा इस लाइव वॉलपेपर एप्लीकेशन से। दोस्तों लिस्ट में जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है उसका नाम है एक्सेस होम लॉन्चर। तो गाइज ये एप्लीकेशन जो है आपके होम सेटअप को टोटली चेंज कर देगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस टाइप का जो आपको कूल सा होम स्क्रीन सेटअप देखने को मिलेगा। ऐप ड्रॉअर के सेक्शन में जाने के बाद अगर आप किसी पे लॉन्ग प्रेस करते हैं तो अनइंस्टॉल का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है स्मार्ट बैटरी विजिट आपको देखने को मिलेंगे, फोन टेम्परेचर को डिस्प्ले करेगा, मिस्ड कॉल डिस्प्ले करेगा और फिर कैलेंडर इवेंट्स को भी जो आपके होम स्क्रीन पर से ही ये डिस्प्ले कर देगा। उसके साथ साथ इस कमाल की बात इसमें यह है कि यार यहाँ पे आपको ऐसे बहुत सारे वॉलपेपर्स मिलते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे एक वॉलपेपर देखा और कुछ इस टाइप का सेटअप्स देखा तो गाइस यहाँ पे आपको बहुत सारे वॉलपेपर्स मिलेंगे और कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेटअप्स मिलेंगे। तो गाइस ये सारी चीज़ें जो आप अपने अकॉर्डिंग सिंगल क्लिक में टैप करके सेलेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारी कैटेगरीज आपको देखने को मिलेगा जिसमें भी टैप करते हैं उसके बाद गाइस आपको जो है यहाँ पर इसे थोड़ा क्रॉप करना पड़ेगा। क्रॉप करने के बाद जो आप बड़ी ही आसानी के साथ इन वॉलपेपर्स को इस सेटअप्स को जो अपने होम स्क्रीन पर लगा पाएंगे और अपने फोन को एक अलग सा लुक दे पाएंगे। तो गाइस इस एप्लीकेशन की लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन के बारे में जिसका नाम है LED कीबोर्ड। तो गाइस लास्ट वीडियो में बहुत सारे बंदों ने कमेंट किया था कि यार आप कौन सा कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो गाइस यहाँ पे मैं LED कीबोर्ड यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे बहुत ही कमाल का व्यू मिल जाता है, बहुत सारे रेनबो टाइप्स के कलर जो यहाँ पे फ्लोइंग मोड में दिख रहे होते हैं कीबोर्ड पे, जो कि इसे बहुत ही कमाल का लुक देता है। तो गाइस इस चीज़ को करने के लिए बेसिकली आपको बस कीबोर्ड एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, सेटिंग्स में जाकर के इसे एज अ डिफॉल्ट सेट कर देना। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, बहुत सारे थीम्स मिल जाते हैं, जिस टाइप के थीम्स को आप यहाँ पे रखना चाहते हो सिंगल क्लिक में जो सेलेक्ट करके इस कूल से कीबोर्ड का मजा उठा सकते हो। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन के बारे में जिसका नाम है पावर शेड। तो गाइस पावर शेड एक बहुत ही कूल सी एप्लीकेशन है जो कि आपके नोटिफिकेशन पैनल को कस्टमाइज़ कर देते हैं, नोटिफिकेशन टॉगल जितने भी आ रहे हैं उन सभी को कस्टमाइज़ कर देंगे। तो गाइस सबसे पहले तो आपको सारे परमिशंस को इसका अलाउ करना है। सारे परमिशंस को अलाउ करने के बाद बेसिकली गाइस आपका नोटिफिकेशन कुछ इस टाइप का बदल जाएगा। और उसके बाद गाइस अगर हम बात करें सेटिंग्स में जाने के बाद तो आप क्या क्या सेट कर सकते हो, यहाँ पे क्या क्या छेड़ सकते हो, तो सबसे पहली चीज़ मिलती है आपको लेआउट। तो गाइस इस एप्लीकेशन की मदद से जो है आप अपने नोटिफिकेशन पैनल के लेआउट को टोटली चेंज कर सकते हैं, कितने आइकन को टॉप पे रखना है, कितने को बॉटम पे रखना है, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। उसके बाद गाइस यहाँ से जो आप इसके कलर्स को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे आप कलर अपने अकॉर्डिंग अपनी मर्जी का लगा सकते हैं। वाईफाई ब्लैक हो गया, इसे लाल पीला हरा नीला किसी भी कलर में आप इसे जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद बात करें तो गाइस ट्रिगर मोड आपको मिल जाता है, आप इसके ट्रिगर को जो अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो टोटली कस्टमाइजेबल एप्लीकेशन है जो कि आपके नोटिफिकेशन पैनल को कस्टमाइज़ करके कूल सा बनाने में आपकी मदद करेगा। तो चलिए बात करते हैं लास्ट एप्लीकेशन के बारे में जिसका नाम है मूवीज़। तो गाइज आजकल के फ़ोन्स बहुत सारे स्मार्ट जेस्चर के साथ आ रहे हैं, लेकिन जिसके फ़ोन में नेविगेशन बार है उनके लिए बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन है, क्योंकि यार इसकी मदद से जो आप नेविगेशन बार में जो एनिमेशन ला सकते हैं। एनिमेशन तो ठीक है यार बहुत सारे एप्लीकेशन है, बट गाइज यहाँ पे जो एनिमेशन है, जो भी विजुअलाइजर आप लाएंगे उस चीज़ को गाइज आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर पाएंगे, जिस तरीके का आप उसे बनाना चाहते हैं वो जो है आप अपने आप कर पाएंगे। और गाइज अगर आपने इसका प्रो वर्जन खरीद लिया तो गाइज मज़ा ही आ जाएगा, क्योंकि यार बहुत सारे कस्टमाइजेशन ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो आप अपने मनमर्जी का विजुअलाइजर जो है यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइज उस टाइप की थी हमारी वीडियो, अगर आपको हमारी किसी कोई भी एप्लीकेशन पसंद, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ घंटा भी दबा दीजिएगा। धन्यवाद।